भी बने आम वहाँ पे। आम जिस तरह एक सूबा है ना, वैसा सूबा होना वैसा चाहिए, वैसा सूबा बन ये जाए। वो स्पेशल आप लोग खुश होंगे, बात होंगे। सो गाइस वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चैनल को किसी सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे। मैं हूं कोमल या आशिम। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप फॉलो और हमारी प्रीवियस वीडियो जाके देखें। और आज की वीडियो बड़ी जबरदस्ती होने वाली है, जबरदस्त होने वाली है। वो है पीओके वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वर्सेस जम्मू एंड कश्मीर, इंडिया इंडियन कश्मीर वर्सेस पाकिस्तानी कश्मीर, जो भी कहना चाहो आप कह लो। देख लेते हैं क्या है। हम ये जानते हैं कि कश्मीर का पूरा हिस्सा भारत का है, पर 1947 में बंटवारे के बाद हुए युद्ध में भारत को कश्मीर का हिस्सा गंवाना पड़ा था, क्योंकि पाकिस्तान ने जबरन उस पर कब्जा जमा लिया था। और कश्मीर का अक्साई चिन्ह 1962 के भारत चीन युद्ध के साथ वह चीन के कब्जे में चला गया, और पाकिस्तान ने अपने कब्जे वाले कश्मीर में से थोड़ा सा हिस्सा चीन को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। तो आज 2020-2021 का दौर है और आज भी कश्मीर को लेकर दोनों देशों में तनाव है। पर आज के समय हमें यह भी जानना जरूरी है कि जिस देश के हिस्से में जितना कश्मीर आया, उन्होंने उस हिस्से में कितना डेवलपमेंट किया। तो चलिए देर किस बात की और इस वीडियो को शुरू करते हैं। कश्मीर का 60% हिस्सा भारत, 30% हिस्सा पाकिस्तान और 10% चीन के पास है। पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को आजाद कश्मीर कहता है और भारत उस हिस्से को पीओके कहता है, जिसे कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। पीओके का साइज अराउंड 13,297 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें 40,45,366 लोग अपना जीवन बिताते हैं। यहाँ पर शासन करने के लिए एक आजाद कश्मीरी शासन है, पर वह बिना पाकिस्तानी गवर्नमेंट के परमिशन के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। यहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर 74% लोग पढ़े लिखे हैं। हजारों वर्षों से कश्मीर का यह हिस्सा एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के लिए फेमस रहा है। एग्रीकल्चर से इस जगह की इकोनॉमी चलती थी और आज भी यहाँ पर इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है। 2005 में यहाँ पर एक भयानक भूकंप आया था, जिसमें कि 1,00,000 लोग मारे गए थे, और इस कारण काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने पीओके को काफी पैसे दिए थे, जिससे कि भूकंप की भरपाई हो सके। आज के समय पीओके में 6 यूनिवर्सिटी और 2 एयरपोर्ट है, पर यहाँ के एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी काफी साधारण है। पीओके में वहाँ की सरकार स्वास्थ्य पर सिर्फ 29 करोड़ ही खर्च करती है। यहाँ पर बिजली की अवस्था वैसी है जैसे कि हमारे समय में पुराने जमाने में होता था, जब दिन में आधे से ज्यादा टाइम बिजली गायब रहती थी। यहाँ पर सालाना बजट सिर्फ 2,000 करोड़ के आसपास का है, और यहाँ पर आपको प्राकृतिक सुंदरता तो मिल जाएगी, पर यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा कम हुआ है। अब बात करते हैं भारत के हिस्से के जम्मू एंड कश्मीर की। मैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को कंबाइन करके बताने वाला हूँ। भारत के हिस्से के जम्मू एंड कश्मीर का साइज अराउंड 101,387 स्क्वायर किलोमीटर है, जहाँ पर लगभग 1.5 करोड़ लोग अपना जीवन बिताते हैं। 2019 से पहले यहाँ पर इलेक्शन से सरकार चुना जाता, पर धारा 370 हटने के बाद यहाँ पर अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन है। 2019 में धारा 370 के हटने के बाद इसे दो जगह में डिवाइड कर दिया गया था, एक बना जम्मू एंड कश्मीर और दूसरा बना लद्दाख। दोनों ही यूनियन टेरिटरी है, इसका मतलब ये दोनों हिस्से केंद्र सरकार के अधीन चल गए हैं। अब यहाँ पर शासन सिर्फ केंद्र सरकार करेगी। एक समय इस जगह का खुद का एक झंडा भी था, पर 2029 को 370 के हटते ही वह झंडा महत्वहीन हो गया। यहाँ पर लिटरेसी दर 70% के आसपास है। यहाँ पर सालाना बजट पीओके से 40 गुना ज्यादा है। यहाँ पर सरकार हर साल 80,000 करोड़ खर्चा करती है। वहीं यहाँ पर स्वास्थ्य में पीओके से 100 गुना ज्यादा पैसा खर्च किया जाता है। हर वर्ष यहाँ पर स्वास्थ्य के लिए 3,000 करोड़ खर्च किए जाते हैं। यहाँ पर 4 एयरपोर्ट है, जो कि काफी ज्यादा हाई क्वालिटी और सुंदर है। वहीं यहाँ पर 35 यूनिवर्सिटी भी है, जो हर साल हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करती है। जहाँ पर पीओके में न के बराबर ट्रेन चलती है, वही भारत के जम्मू एंड कश्मीर में कई सारे ट्रेन चलते हैं। कश्मीर में अगस्त 2020 में पहला KFC का रेस्टोरेंट खुला था। यहाँ पर फिर से सिनेमा थिएटर की शुरुआत हो रही है, जो 1989 से बंद हो चुकी थी। आपको मैं थोड़ा सा पीओके और इंडियन कश्मीर की फोटोज दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कौन सा हिस्सा कितना डेवलप्ड है। आप खुद ही डिसाइड करें।
तो यहाँ की खत्म है श्रीनगर। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को लाइक। ये थी यार वीडियो, और बड़ी अच्छी वीडियो थी, बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया हुआ था। हाँ ये चीज़ मैं मानता हूँ कि कश्मीर जो है बड़ा विवादित जिसको कहते हैं ना एरिया रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट, यहाँ पे बजट वगैरह सारा कुछ कम है। इंडिया में जब से वो 370 हटा है, यहाँ पे मुझे लगता है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह हुई है और वहाँ पे चीज़ें वगैरह खुलना स्टार्ट हो गई हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता KFC स्टार्ट हुआ है, जिस तरह सिनेमा भी दोबारा स्टार्ट हो रहा है। Okay. तो हाँ मैं तो यही चीज़ चाहता हूँ कि भाई जान डेवलपमेंट हो, लोग खुश रहे, लोग वहाँ पे मरे ना, बेशक इंडिया वहाँ पे जो है वो इंडिया के पास रहे बेशक, लेकिन लोग वहाँ पे खुश रहे कि यार हाँ भाई हम खुश हैं, हमारी डेवलपमेंट हो रही है, हमें हर चीज अच्छी मिल रही है। होनी चाहिए, बल्कि खुलनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। जैसे KFC खुला, आगे हाँ, भी और भी खुलने चाहिए, और भी खुलने चाहिए, मॉल भी बने। आम जिस तरह एक सूबा है ना, वैसा सूबा होना चाहिए, ये वो स्पेशल नहीं ट्रीट करना चाहिए कि उनको, कि भाई उनको डायरी लगा रहे कि कब आए और कब इधर मसला हो जाए, कब इधर लड़ाई हो जाए, कब इधर जंग हो जाए। बाकी लोगों की तरह रहे, जैसे हम लोग रहते हैं अपने मुल्क में आजाद घूमते, वो भी वैसा ही फील करें कि भाई हर चीज है, बाहर ना उनको देखना पड़े, बाहर ना जाना पड़े। हाँ ऐसे ही है, और बड़ा बड़ा अच्छी थी यार, अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ था। और बाकी खूबसूरती तो इन दोनों रीजन की बहुत ज़्यादा खीर है, खूबसूरती तो है एक चीज़ जो अट्रैक्ट करती है बाहर से लोगों को और यहाँ से भी लोगों को कि यार कश्मीर जन्नत है पूरी। तो बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अब ख्याल रखें, आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। 1 2 3 अब देखो। We'll be right back.